आज हम देखेंगे आपके लिए कुछ स्पेशल क्लियर मैसेज। ये क्लियर मैसेज आपकी इंट्यूशन को कनेक्ट करेंगे। ये क्लियर मैसेज आपको एक गाइडेंस देंगे। ये क्लियर मैसेज आपकी हाई लेवल एनर्जी को स्ट्रेंथ देंगे, उसे बूस्ट करेंगे। ये मेरा दावा है आपसे। इसी के संग हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2 पाइल। सो 1 पाइल इज पिंक कलर, 2nd पाइल इज ब्राउन। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, पॉज कर लीजिए। जो भी पाइल को आपको सिलेक्ट करने का मन है उसके संग जाइए और फिर हम देंगे आपके अकॉर्डिंग रीडिंग। तो मैं 1st पाइल को इधर रख देती हूँ, 2nd पाइल को यहाँ रख देती हूँ। आज मेरा रीडिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आई होप यू लाइक इट। सो पिंक यहाँ पर है और ब्राउन यहाँ पर है। पिंक इज़ द 1st, ब्राउन इज़ द 2nd। आप लाइफ में प्रार्थना करके, प्रे करके ईश्वर से कि आपको गाइडेंस चाहिए, और इफ़ यू आर स्टक और नॉट स्टक इन योर लाइफ, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो भी ये रीडिंग आपके लिए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं भी आपकी लाइफ में तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। क्यों? क्योंकि जब मैसेज मिलेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे कि आपके लिए ये गाइडेंस है जो आपकी सोल को कनेक्ट करेगा। और ये अगर आपकी सोल को कनेक्ट करे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या चीज़ आपको कनेक्ट करे, और डेफिनेटली ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहूँ जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें। ओके, सो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आई होप अपने अपनी रीडिंग, अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया हो, और हम दोनों की रीडिंग 1 बाय 1 करेंगे। 1st पाइल को मैं यहाँ रख दे रही हूँ साइड में। ये हमारी 1st पाइल है जिन्होंने पिंक चूज़ किया था। अब हम इनके अकॉर्डिंग निकालेंगे 9 कार्ड्स। 9 कार्ड्स मैं निकालूंगी। बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी रेडी नहीं हूँ, सॉरी। थैंक यू। 1 2 3 स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, गॉड एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गिव मी अ कार्ड फॉर माय 1st पाइल। 1 कार्ड मिल गया है। आई वांट टू अ 9 कार्ड। 2-3 कार्ड्स हो गए हैं, हम रखते जाते हैं कार्ड। 1st कार्ड इज़ अ प्रे। मैं दिखाती जाती हूँ जो निकल रहा है। प्रे कार्ड 5 नंबर। 2nd कार्ड जो ओपन हो गया है, रॉन्ग 2 नंबर। आप मन में अपने सवाल ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि 1st के रिगार्डिंग प्रे निकला है, 2nd के रिगार्डिंग रॉन्ग निकला है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। श्योर, ठीक है। और आप किसी पर्टिकुलर 1 टॉपिक के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं। ये कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, एक्शन। वीक, यहाँ मैं कार्ड आपको दिखा दूँ। 8 नंबर इज अ रॉन्ग, 20 नंबर इज अ श्योर, 12 नंबर इज अ एक्शन। 12 को हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा। वीक, 22 को हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा। डबल नंबर भी आप ले सकते हैं पे हैं, और टोटल नंबर भी, बिकॉज टोटल नंबर जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर और कार्ड्स लेती हूँ आपके रिगार्डिंग, हमारी रिगार्डिंग टू 1st पाइल। प्लीज़ गिव मी, थैंक यू डिवाइन टाइम। आगे हैं हमारे पास विद ना 7 नंबर डिवाइन टाइम आए हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। 3 कार्ड्स और हम लेते हैं 1st पाइल के रिगार्डिंग, देन आई एक्सप्लेन द एवरी कार्ड। खुल गया है कोई कार्ड, देखते हैं। ये खुला है, गॉड चेक यू। 26 नंबर है, 6 और 2, 8। 1 ईयर, 1 नंबर है, और यस आया है आंसर। मेरे मुँह से 1 ईयर निकला है, तो किसी के लिए 1 ईयर में कोई काम अगर आपके मन में है तो बनता दिख रहा है। ट्रस्ट निकला है 4 नंबर के संग, और हमारे पास एक लास्ट कार्ड आया है लीव 6 नंबर के संग। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा कार्ड मिल गया है, और एनर्जी हम देख लेंगे, बेटर फॉर यू।
बैटर फॉर यू 27 नंबर के संग। तो देखिए ये आ गई है हमारे ओवरऑल्स की एनर्जी, जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपके ख्वाब हो, जो भी आपके ख्याल हो, जो भी आपकी इंट्यूशन हो, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पर हम कर लेते हैं रीडिंग, क्विक रीडिंग। एंड विद डायरेक्ट मैसेज आए हैं, डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंट्यूशन बेस्ड चीज़ें कनेक्ट होंगी आपको। अब यहाँ समझिएगा, आप जिन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं। कुछ चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी विद इन अ 20 डेज 20 वीक में, विद इन अ 20 डेज 20 वीक में। एक्शन की ज़रूरत है, 3 मंथ के अंदर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 22 वीक में या 4 वीक में आपका काम बन सकता है। डिवाइन टाइम को आपको खींचना होगा, अपने आप को आपको बूस्ट करना होगा, लीव छोड़ देनी होगी कुछ चीज़ों को, आपको पास्ट को आपको छोड़ देना होगा, ट्रस्ट करना होगा। गॉड आपको चेक कर रहे हैं, आपकी विल पावर को चेक कर रहे हैं, उन पर आपके ट्रस्ट को चेक कर रहे हैं गॉड। और यस, डेफिनेटली आपका काम होगा। बट कुछ चीज़ें जो रॉन्ग हैं वो आपको ही पता है रॉन्ग क्या है। तो कुछ चीज़ें जो रॉन्ग हैं उसके लिए कहा जा रहा है बेटर फॉर यू, कुछ और बेटर भी हैं आपके लिए। तो डोंट वरी, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ भी है, किसी पर्सन की वजह से परेशान हो तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ भी है, जॉब की वजह से परेशान हो, बिजनेस में बॉस की वजह से, जॉब में बॉस की वजह से परेशान हो, बिजनेस में किसी और वजह से, या कोविड टाइम पीरियड की वजह से परेशान हो, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइम कार्ड आपके में आ गया है, आप खुद की सेल्फ ग्रोथ कीजिए, डिवाइन टाइम अपने आप खींचेगा आपकी तरफ। ये है फर्स्ट कार्ड जिन्होंने पिंक सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग, और इन अ शॉर्ट वे, इन अ क्लियर वर्ड्स गाइडेंस। आई होप यू लाइक इट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें नहीं किया हो तो नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर। अब हम कर लेते हैं अपनी सेकंड पाइल के लिए, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से और हम रख लेते हैं अब इन्हें जिन्होंने ब्राउन कार्ड्स सिलेक्ट किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक सेकंड पाइल फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है, सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ, ओके नहीं हम रखते हैं इसको। फर्स्ट कार्ड इज ईयर, 25 नंबर कार्ड है और ईयर का कार्ड आया है। आप देख लीजिए कैसे आपको कनेक्ट कर रहा है। सेकंड कार्ड सरेंडर आया है विद इन 9 नंबर, नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग। बेटर फॉर यू आया है 27 नंबर के अकॉर्डिंग। गॉड प्रोटेक्ट यू 11 नंबर इज स्पेसिफिक फॉर यू। हम और देखते हैं, ये आ रहे थे, खुल गया था, बंद हो गया था। गॉड चेक यू 26 नंबर के साथ आया है। रॉन्ग आया है यहाँ पर भी सेकंड पाइल में भी, बिकॉज समटाइम डेफिनेटली हम लोगों में कुछ चीज़ें रॉन्ग होती हैं, कुछ चीज़ें राइट होती है। रॉन्ग कार्ड इसलिए आपके रिगार्डिंग भी आया है, फर्स्ट पाइल से मैं भी ये चीज़ आई थी। वीक 22 कार्ड भी वीक के रिगार्डिंग आया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिन्होंने ये कार्ड अपने आप आ गया, फोकस। 18 नंबर कार्ड विद इन अ फोकस आया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट की थी, उन्होंने पहले फर्स्ट, जिन्होंने सेकंड पाइल सिलेक्ट किए वो पहले फर्स्ट पाइल सिलेक्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने सेकंड पाइल सिलेक्ट कर लिए, फिर उन्होंने सोचा नहीं मैं फर्स्ट पाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उन्होंने सोचा चलो सेकंड पाइल की संगी जाता हूँ। तो ऐसे कन्फ्यूज़न की वजह से मिक्स एनर्जी बहुत डेक्स में मैंने बहुत रेयर केसेस में दिखने को मिलती है। इतनी रीडिंग्स करते हैं तो ऐसा कम होता है। चलिए कोई नहीं, अशफल आपके सामने ही हो रहा है, कार्ड्स आपके सामने ही निकल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं।
ये आ गए और ये भी आना चाहते हैं। श्योर कार्ड आया है, देखिए मैंने अभी कहा ही था वही चीज़ हो रही है, 20 नंबर और श्योर कार्ड के साथ दो कार्ड हमें और आए हैं। फॉरगिवनेस 10 नंबर के संग और लीव द गॉड, गॉड पे छोड़ दीजिए 15 नंबर के संग, 15 नंबर के संग एनर्जी ऑफ बॉटम आई है लर्निंग, लर्निंग की ज़रूरत है आपको, लर्निंग बढ़ाने की ज़रूरत है। 7 नंबर के संग आई है ये, 6 और 16 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 के संग लर्निंग आई है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आपको अपने आप को बूस्ट करने के लिए स्टडी फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, और चाहे वो पर्सनल लाइफ में लव अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो आपको सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ खुद की कुछ वजूद भी बनाना होगा वाली बात है, ठीक है, खुद का कुछ वजूद भी बनाना होगा वाली बात है। आपने सरेंडर किया हुआ है गॉड के सामने, इट्स अ गुड फॉर यू, बट एक साल के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में दिखते हैं यहाँ पर, बेटर फॉर यू। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि वो मैसेज तो आपको मिल ही गए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ इन अ वर्ड, तो विद इन अ वन ईयर आपकी लाइफ में गजब का चेंजेस होगा। सरेंडर करके आप चल रहे हैं, आगे भी आप सरेंडर कर ही रहे हैं, और बेटर फॉर यू आपकी चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें हाथ से निकल भी जा रही है, डोंट वेरी, सम चीज़ें रॉन्ग होने की वजह से हाथ से निकल जा रही हैं, तो डोंट वेरी, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ रीज़न रॉन्ग चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, बट गॉड आपको चेक भी कर रहे हैं। गॉड ये कह रहे हैं फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ करना सीखिए लोगों को जिन्होंने आपके संग बुरा किया, आपके संग कुछ बुरा हुआ है, आपके संग कुछ बुरा हुआ है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे लोगों को। फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया है, लीव छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए चीज़ों को अपनी लाइफ से, गॉड पे छोड़ दीजिए, गॉड डिसीजन लेंगे आपके लिए, श्योर हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, श्योर हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, फोकस की ज़रूरत है, विद इन अ वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज गॉड प्रोटेक्ट यू। आपको एक ही काम करना है, ओवरऑल एनर्जी इन होल कार्ड्स इज अ लर्निंग, लर्निंग करनी है आपको, किस वे में लर्निंग करनी है, किस फील्ड में लर्निंग करनी है, यू नो वेरी वेल, लर्निंग करनी है आपको, किस वे में लर्निंग करनी है, किस फील्ड में लर्निंग करनी है, किस बारे में आपको लर्निंग करनी है, ये ओनली स्टडी के रिगार्डिंग नहीं है, ज़िंदगी के सबक के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किस चीज़ की लर्निंग करनी है, मैं तो आपको ये दिखा सकती हूँ बस। लर्निंग कार्ड 16 नंबर, 1+6 इज़ अ 7, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल कार्ड, गॉड का साक्षात मैसेज समझ लीजिए, गॉड का साक्षात मैसेज, लर्निंग करो, गॉड प्रोटेक्ट यू, गॉड चेक यू, और बेटर फॉर यू, सब चीज़ें सरेंडर करके चलिए, बट चेक कर रहे हैं गॉड आपको, लर्निंग क्यों नहीं कर रहे हो मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्यों नहीं कर रहे हो, चेक कर रहे हैं गॉड आपको, तो वही करना है आपको, ठीक है। सो आई होप यू, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, थोड़ा सा नया तरीका था, तो बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, इसी तरह की और रीडिंग्स लेके मैं आती रहूँगी आप लोगों के सामने, बाय बाय।